नमस्कार इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद, हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एच एस रावत जी। आइए जानते हैं कार्यक्रम हुआ है 5वां इंटरनेशनल वैदिक सम्मेलन बाद, आखिर इसको कैसे देखते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। जिस प्रकार से सम्मेलन हुआ और काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये ज्योतिष के प्रति एक जागृति है। जी जी, लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, लोग ये समझ रहे हैं कि ये विज्ञान है और इसकी जो सटीकता है वो लोगों को खींच रही है। लोगों को ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई इस विज्ञान के अंदर ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि जो यहाँ बड़े बड़े ज्योतिषी आते हैं और वो सामने यहाँ बताते हैं अपने लेक्चर के अंदर, उनका वैज्ञानिक आधार बताते हैं, जिसके कारण लोगों के दिल में बैठता है। पढ़े लिखे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, रिटायर IAS हैं, जजेस हैं, तो इतनी संख्या में लोगों का आना, इतनी बड़ी होटल के अंदर आना, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि एक विज्ञान है। और ये पराविज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों का मिश्रण है कि कैलकुलेशन के ऊपर आधारित है, कौन सा ग्रह कितनी गति के साथ घूम रहा है और उसका हमारे दिमाग के ऊपर क्या प्रभाव है। जैसे एक मोबाइल सेट जो होता है वो एक टावर के साथ जुड़ा होता है, टावर के ऊपर सिग्नल्स वीक होते हैं तो मोबाइल सेट डिप्रेशन में आता है, क्या बात। और इसी प्रकार से हमारे ब्रेन जो है वो नौ टावर के साथ जुड़ा होता है, नौ टावर में जो भी ग्रह सूर्य से जो दूर होना शुरू हो जाते हैं तो वही रिलेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी हमारा प्रभावित होना शुरू हो जाता है, उसकी कैलकुलेशन को हम बताते हैं। ये एक पूर्ण रूप से विज्ञान है। नहीं, जिस प्रकार से राकेश डागर जी ने पूरे सबको एक जगह लगाया, इसमें छोटे बड़े सब लोग आए थे, अवार्ड की भी घोषणा हुई, खासतौर से प्राइज मनी दिया गया। इसमें मैंने पिछली बार ये घोषणा की थी कि जो बहुत अच्छा बोलेगा और अच्छे यहाँ सूत्र देगा, अपने अनुभव शेयर करेगा, उसमें हम 5 लोग मेंबर थे जूरी के मेंबर, उन्होंने ये तय किया और डिसाइड करने के बाद इसमें फर्स्ट प्राइज जयपुर की पूजा शर्मा को मिला और दूसरा सुरेंद्र कपूर को मिला, तीसरा एक वस्ता कपूर उनको मिला। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने सूत्रों को रखा और लोगों को सीखने को मिला। और इस बार भी फिर अवार्ड की उत्सुकता को, क्रेज को देखते हुए अगली बार हमने कहा है कि जो अच्छा बोलेगा उसको 11,000 का नाम और सेकंड रनर जो होगा उसको 5100 का और थर्ड को 3100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इससे लोगों के अंदर एक जागृति पैदा होगी और मेहनत करेंगे तो ये इसलिए किया। जी हाँ, खासतौर से अभी काफ़ी टीवी पर आप आते हैं, काफ़ी हम लोगों ने देखा है आपने, लेकिन जिस प्रकार से बाढ़ सी आ गई है जो स्टार्ट, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई चीज़ अगर ज़्यादा फैलेगी तो निश्चित तौर पर उसका इफेक्ट आएगा ना। ये तो बाढ़ तो तभी आती है जब उसका कोई फायदा होता है और फायदा हो रहा है, लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, इसलिए लोगों में बाढ़ आ रही है। और ये बाढ़ आने की अच्छी बात है, हर घर घर में अगर ये आ जाए तो मैं समझता हूँ कि हर लोगों में जागृति पैदा होगी और वो अपने ग्रहों के अनुसार अच्छा बच्चा पैदा कर सकते हैं, अच्छा उसको स्ट्रीम दिला सकते हैं, अच्छी जॉब दिला सकते हैं और उपाय कर सकते हैं अगर उसको कोई दिक्कत आती है पढ़ने में। तो मैं तो चाहता हूँ कि हर घर घर में ज्योतिष का दीप इसी प्रकार से जलता रहे और लोग आते रहें और इसका आनंद लेते रहें। जी, ये अंतिम सवाल है, युवा ज्योतिषाचार्य को क्या संदेश देंगे? मैं युवा ज्योतिषियों को यही कहना चाहूँगा, अभी तक आप लोगों को वैज्ञानिक आधार नहीं पता था इसका, लेकिन हम लोगों ने इसको वैज्ञानिक तौर पर प्रूव किया है और आप अगर पढ़े लिखे हैं वैज्ञानिक तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ग्रहों की गति किस प्रकार से काम करती है और उस गति का और तरंगों का प्रभाव हमारे ब्रेन के ऊपर क्या होता है और वह स्वयं आप प्रभावित कर सकते हैं। जब आपको ये फील होगा कि अमावस्या पूर्णिमा के दिन चंद्रमा राहु के साथ जब गति करता है तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, तो इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहूँगा आपको ज्योतिष अल्टरनेट सब्जेक्ट के जरूर लेना चाहिए और उसको सीखना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ये तो एच एस रावत जी ने खास तौर से बता रहे हैं कि विषय के रूप में अगर आप जो चीज़ को चुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपके उज्ज्वल भविष्य काम है।